एक्चुअली मुझे ओवर थिंकिंग का बहुत प्रॉब्लम है. मतलब मैं जब भी कुछ सोचती हूँ, कुछ दीनी काम करूँ या मदद करूँ, तो मुझे बस रियाकारी की मतलब ख्याल आने लगते हैं. ये ख्याल आने लगता है कि फला फला लोग मेरी तारीफ करे, मतलब मेरी सीरत की ऐसे वैसे. और मतलब मेरे घर में पूरा मतलब जो बरेलवी माहौल होता है, मतलब उर्स बनाना और फातिया करना, ये सब कुछ है. मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर वालों को दावत दूँ, लेकिन इसी ओवर थिंकिंग की वजह से मैं कुछ दावत नहीं दे पा रही हूँ. मतलब मेरी एज 20 साल की हो चुकी है. हो सकता है आने वाले कुछ सालों में निकाह का पैगाम आ जाए, आने लगे, लेकिन मैं दावत ही नहीं दे पा रही हूँ. तो मैं बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ. जी देखिए, ये शिकायत कई सारे लोग करते हैं और ये दरअसल, मेरी आवाज आ रही है शेख हाशिम जी? जी शेख आ रही है. हाँ सुनिए, हमारे दीन के अंदर गुलू पसंदी नहीं है, किसी भी चीज के अंदर गुलू नहीं है. और शैतान हमें मुख्तलिफ तरीकों से हमारे दीन से भटकाने की कोशिश करता है. देखिए, शैतान का जो हरबा होता है, अलग अलग किस्म के लोगों को भटकाने का उसके पास अलग अलग तरीका होता है. कोई गुनहगार आदमी है तो उसको अलग तरीकों से भटकाता है, कोई नेक आदमी है, दीन पसंद है, तो उसको अलग तरीकों से भटकाता है. तो अगर कोई आदमी दीन है, दीनदार है, अपने दीन पर वो अमल करना चाहता है, तो उसके भटकाने के तरीकों में से एक तरीका ये है कि आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि मैं कोई फला में काम ना करूं, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर रिया आ जाए. हम सबको मालूम है कि रिया करना ये जायज नहीं है, रिया शिर्क असगर है. तो जब शैतान देखता है कि हमने, देखिए आप ऑडियो अपना बंद कर दे प्लीज. जी बंद कर दिया, म्यूट कर दिया. जब शैतान किसी नेक आदमी को देखता है कि वो मुसलसल नेक काम कर रहा है या नेक काम का इरादा रख रहा है, और वो आदमी दीन पसंद है, दीनी मिजाज है उसका, तो शैतान उसके जहन में ये बात डालता है कि तुम ये नेक काम मत करो क्योंकि इसके अंदर रिया हो जाएगा, और रिया हो जाएगा तो तुम गुनहगार हो जाओगे. ये उसका एक हरबा है. इसलिए आपके दिमाग में ये आना कि मैं फला नेक काम ना करूं, नहीं तो कहीं उसमें रिया ना हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ शैतान की जानिब से है. सलफ में से किसी का कौल है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उनका कौल है कि अल अमलो मिन अजल नास शिर्कुन, लोगों के लिए अमल करना, लोगों के लिए कोई इबादत करना, ये शिर्क है. अगर कोई इबादत कर रहे हैं लोगों के लिए, अल्लाह के लिए नहीं, तो ये शिर्क है. वतरकुल अमल मिन अजल नास रियाउन, और अगर कोई इबादत लोगों की वजह से छोड़ रहे हैं आप, तो ये रिया है. आप नमाज इसलिए नहीं पढ़े, आप सोचे कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे कि जो है ये तो रिया कर रहा है, तो ये रिया है. तो किसी अमल को छोड़ना लोगों की वजह से, ये भी रिया है. तो लिहाजा ये वसवसा है फकत शैतान की जानिब से कि आप फला ने काम ना करो, नहीं तो कहीं रिया ना हो जाए. भाई, इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतना ही मुकल्लफ बनाया है जितनी उसकी इस्तेदात है. आपके दिमाग में अगर रिया जैसा कोई ख्याल आए तो आप उसको झटक दीजिए और अपने काम में, अपनी इबादत में आप आगे बढ़िए. और जब आदमी अपने आप से, अपने नफ्स से लड़ रहा है और वो उसके दिमाग में वो ख्याल में भी नहीं है कि मैं लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहा हूं, तो फिर रिया कहां से हो जाएगा. लिहाजा ये फकत वसवसा है, और इस वसवसे के शिकार बहुत सारे लोग होते हैं. कहते हैं कि मैं फला इबादत नहीं करूंगा, नहीं तो रिया ना हो जाए. भाई ये भी रिया है, ये गलत है, ये दीनी तसव्वुर नहीं है. लिहाजा आप किसी काम को इसलिए ना छोड़े, किसी इबादत को, कि आपको रिया का खौफ है. रिया का खौफ है आपके दिल में, यही दलील है इस बात की कि आपके अंदर तकवा है. लिहाजा ये शैतान का वसवसा है, इसको, इसकी जानी ध्यान ही मत दीजिए. जो नेक काम आपके सामने है उसको अंजाम दीजिए.